आज की वीडियो थोड़ी डिफरेंट है बिकॉज आई विल गिव द ओल्ड ग्लास बॉटल कन्वर्ट टू एंटीक डिस्पेंसर एंड इफ यू आर न्यू टू माई चैनल और यू हैव नॉट सब्सक्राइब येट सो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर सच वीडियोज तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माई चैनल ड्रिलिंग आर्ट विद मी. तो मेरे पास कुछ इस तरीके की बॉटल है और ये एक ऑयल डिस्पेंसर है जो बेबी ऑयल होता है उसके साथ का. तो इसमें ये जो मैं ये है इसका डिस्पेंसर का जो पंप है मैं इसको यूज़ करूँगी. पहले लेना है हमें एयर ड्राई क्लीन. तो हमें रेडी करनी है एक थिक पाइपिंग. एक्चुअली हम इस बॉटल पे बना रहे हैं विंटेज व्हील, तो आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं. इसके लिए आपको पाइपिंग से ही इसको सर्कल क्रिएट करने हैं. ऐसे में दो सर्कल क्रिएट करूँगी, एक छोटा और एक बड़ा. तो इस तरीके से ये मेरे दोनों सर्कल रेडी हो गए हैं. अब मुझे कुछ सेंटर पे इस तरीके का एक छोटा सा ये पीस रखना है, छोटी सी बॉल बना के और प्रेस कर देनी है, और एक इससे भी छोटा और देन उसके बाद एक छोटा. तो तीन हमने इसमें छोटे बड़े बड़े करके सेंटर में फिक्स करना है. उसके बाद हमें साइड में, जैसे कि मैं फेविकॉल लगा रही हूँ, आपको साइड में ऐसी छोटी छोटी बॉल्स बना के जिस जगह पर मैंने फेविकॉल लगाया वहाँ पे फिक्स करना है. हमें इस तरीके से छोटी छोटी पाइपिंग कट करनी है. फेविकॉल लगा के उसी जगह पे हमें इनको प्लेस कर देना है अच्छे से, और धीरे धीरे करके इनको जहाँ पे भी मैंने इन बॉल्स को लगाया था उसी के जस्ट अपोजिट यानी ऊपर की तरफ हमें इसको लगाते हुए जाना है जिस टॉप पे. और सेम बॉल मैंने इन पे और लगा दी है उसके एंड ऑफ में. तो ये इस तरीके के हैं. तो अब क्या करना है कि पूरा जो दो सर्कल मेरे बड़े वाले थे उसी के बाहर मुझे सेम छोटी छोटी बॉल्स फिर पेस्ट कर देनी है. उसके बाद जैसे आपने अंदर इनर सर्कल में छोटी पाइपिंग रेडी की है वैसे ही आपको आउटसाइड भी छोटी छोटी पाइपिंग फिक्स करनी है. और जब ये फिक्स हो जाएगा तो कुछ इस तरीके से एक विंटेज व्हील रेडी हो गया. तो अब मेरे जो यहाँ पे जॉइंट्स थे सर्कल क्रिएट करते समय उनको सिक्योर करने के लिए मैं फेविकॉल का यूज़ कर रही हूँ जिससे ये हाइड हो जाएंगे जॉइंट्स आफ्टर ड्राई होने के बाद. अब मैं यहाँ पे दे रही हूँ एक्रिलिक कलर रेड एंड ब्लैक को मिक्स करके प्राइमरी शेड को, देन मेरा ये जो ये सेकेंडरी कलर है ये है वाइन शेड. तो अब क्या करना है, जब ये ड्राई हो जाएगा उसके बाद आपको लेना है सिल्वर एक्रिलिक कलर और स्पंज की हेल्प से इसको हल्का हल्का डैप करते हुए कवर कर लेना है जिससे इसका लुक बिल्कुल विंटेज की तरह आएगा. आप देख सकते हैं कितना शाइनिंग सा ये हो रहा है. तो थोड़ी देर इसको ड्राई होने रख देते हैं. आफ्टर ड्राई होने के बाद ये देखिए कितना ब्यूटीफुल लुक आ रहा है ना. सो हाउज इट, डू यू लाइक इट और नॉट? इफ यस डू प्लीज गिव मी अ थम्स अप. इफ यू नॉट गिव मी फीडबैक इन कमेंट सेक्शन बिलो. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय एंड टेक केयर.